सरस्वती शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन 2 दिवसीय सरस्वती शिशु मंदिर खरोद नगर द्वारा खो खो एवं कबड्डी प्रतियोगिता लक्ष्मणेश्वर महाविद्यालय के खेल मैदान में आयोजित की जा रही है। 10 सितंबर को सरस्वती शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में खो खो एवं कबड्डी का आयोजन सरस्वती शिशु मंदिर खरोद द्वारा महाविद्यालय के खेल मैदान में आयोजित हुआ। इसमें मुख्य रूप से अतिथि सीबी खूंटे, विशिष्ट अतिथि सबोध शुक्ला, जिसमें अध्यक्षता हेमलता यादव, सेवानिवृत्त शिक्षक एवं संस्था प्रतिनिधि दिवाकर स्वर्णकार, प्रांतीय खेल प्रमुख बिलासपुर और साथ साथ चंद्रकांत तिवारी, प्रमोद सोनी, धानसा यादव, शिवरात्रि प्रसाद यादव, बसंत यादव, उत्तम सोनी का विशेष योगदान रहा। प्राचार्य राम कुमार साहू द्वारा उद्बोधन दिया गया कि खेल के रूप में खेल को खेला जाए, शिष्टाचार का पालन करते हुए खेलकूद को खेलें और खेल के रूप में ही जीत और हार को स्वीकार करें। प्रेरणा का अंग प्राप्त होता है। हमारे प्रांत की ओर से उन सभी को पूरे पारितोषिक रूप से जो पुरस्कार दी जाती है, जो भैया बहन एसजीएफआई की ओर से गोल्ड, सिल्वर और रजत पदक लेते हैं। 5,100 रुपए की प्रथम पुरस्कार, 2,100 रुपए का द्वितीय पुरस्कार और 2,100 रुपए का तृतीय पुरस्कार। इस प्रकार से प्रत्येक खिलाड़ी। मेरा नाम किशोर देवांगन है, मैं बलौदा का रहने वाला हूँ। हमारे स्कूल शिशु मंदिर में जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता हो रहा है। हमारे विरुद्ध क्या बोलते हैं उसको, खराउद के विरुद्ध हम लोग खेल रहे थे बलौदा वाले, और जिसमें हम लोग 23-45 से जीते हैं, मतलब 22 से आगे हम लोग। और क्या बोलना है भैया, प्रकाश आदित्य स्कूल शिशु मंदिर खराद। आप आज कौन से खेल पे सम्मिलित हुए थे? कबड्डी। और किसके विरुद्ध खेल रहे थे? चांपा विद्यालय के विरुद्ध खेल रहे थे। और आप कितने पॉइंट से आज जीते? आप 12 पॉइंट से जीते हैं। सर, आज जिला स्तरीय जो है शिक्षण संस्थान द्वारा हो रहा है कार्यक्रम, उसके बारे में बताइएगा। विद्या भारती, अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान की योजना अनुसार विद्या भारती छत्तीसगढ़ प्रांत के इस संयोजकत्व में सरस्वती विद्या मंदिर खरौद में जांजगीर जिला का यह कबड्डी एवं खो खो खेल प्रतियोगिता आज प्रारंभ हुआ। आज की इस प्रतियोगिता के दौरान महाविद्यालय के माननीय प्राचार्य महोदय यहाँ पर मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। उनके द्वारा पूरे इन सभी भैया बहनों को बधाई दी गई। आज का यह जो कार्यक्रम हमारा संपन्न हुआ, यहाँ पर विद्या भारती के ये बच्चे जो अपने सरस्वती शिशु मंदिर में अध्ययनरत हैं, ये सभी जिला स्तर से विभाग स्तर में, विभाग से प्रांत में, प्रांत से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को मिलाकर जोन अपन क्षेत्र होता है अपन लोगों का, उसमें खेलेंगे। फिर उसके बाद राष्ट्रीय खेलकूद में भाग लेकर के ये भैया बहन हमारे अखिल भारती में एसजीएफआई के लिए भाग लेंगे। यह प्रतियोगिता हमारे लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। सारे भैया बहन इसमें खुशीपूर्वक भाग लेते हैं। प्रतियोगिता की स्पर्धा से नहीं, वे एक संगठन की भावना से यहाँ भाग लेते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आज का यह प्रतियोगिता जो है संपन्न हो रहा है। अभी तक का जो हमने मैच देखे हैं यहाँ पर, सारे मैचों में सभी भैया बहनों ने आपसी एक संबंध बना करके खेले हैं, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। सर, अभी तक कितने प्रतिभागी, कितने स्कूली स्तर पे, कितने विद्यालय के स्तर पे यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं, उनके बारे में जानकारी बताइएगा। जांजगीर जिला में कुल 14 विद्यालय हैं। 14 विद्यालय से सभी विद्यालयों के भैया बहन यहाँ पर आए हुए हैं। आपके शक्ति जिला और जांजगीर जिला अभी फिलहाल मिला हुआ है। भविष्य में शासन की योजना जैसे अनुसार होगी कार्य करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल 14 विद्यालय यहाँ पर